धमतरी में एसपी ऑफिस के सामने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कुरुद का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 9 सितम्बर को कुरुद भाजपा कार्यालय में कांग्रेस और भाजपा की युवा नेताओं के बीच झड़प हुई थी। धरना प्रदर्शन में सद्भावना उपवास के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुरुद के भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के मामले सामने आए, जिसको लेकर विधायक अजय चंद्राकर, विधायक रंजना साहू समेत भाजपा नेताओं ने एसपी कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर सद्भावना उपवास किया। दरअसल बीते दिनों युवा कांग्रेस विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान देने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों में झूमाझटकी की नौबत आन पड़ी थी, जिसके बाद से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जिले में भाजपा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कार्यालय में मारपीट की, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनादेश विकास के लिए मिला है, लेकिन कांग्रेस उसका दुरुपयोग कर रही है। कार्यालय के अंदर में आके कुरुद में बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने उनके जिला अध्यक्ष को ससम्मान बुलाया था, ये आप बैठ के बात करते हैं, उसमें कोई कुछ परेशानी नहीं है करके। पर उन्होंने कार्यालय में मारपीट की, सारी चीजें की, और उससे बढ़कर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस का जो दोहरा चरित्र है, उसके 3 दिन बाद कांग्रेस के लोग थाने के अंदर 6 घंटे तक धरने में बैठे रहे, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा कहीं पे कि थाने के अंदर जाके लोग बैठे रहे। आज मैं जब पूछा 2.5 साल में धमतरी में क्या किया, एक माइलस्टोन बता दें, धमतरी का सिर्फ चरित्र और चेहरा खराब।